Assalamualaikum. आज हम बेटा पढ़ेंगे वॉट इज़ द क्लासीफिकेशन ऑफ़ द फनजाई क्लासीफिकेशन फ़नजा की क्लासीफिकेशन ऑफ फनजाई क्लासीफाइड इंटू फोर डिवीजन्स और द फाइला मिर्जा फनजाए आर क्लासीफाइड इंटू फोर ग्रुप्स और द फाइला फनजाए को चार ग्रोप में या फाइला में तकसीम किया गया है अब आप ये देखें कि इसको सिर्फ़ आप टू टू इनके पार्ट्स हैं टू जो हैं वर्ड्स हैं उनसे मिल के बना है जाइगो माइकोटा एस्को माइकोटा बिसेडो माइकोटा एंडूटेरो माइकोटा माइकोटा मीन्स है फंगस माइकोटा 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 सब फंगस अब आपको सिर्फ इसकी शेप की बिना पर जो इसका नाम रखा गया है जैगो मीनस है योक शेप्ड ठीक है ये यॉक शेप्ड है यॉक शेप मीन्स क्या है ग्रीक वर्ड है और हमें इसकी यॉक शेप का मायना क्या होगा कि ये कैसा फंगस है कांजुगेटेड फंगस है कांजुगेटेड फंगस मीन्स क्या है फ्यूज़ होने वाला फंगस है फ्यूज होने, होने वाला फंगस मीन्स क्या है मैरी करने वाला फंगस है यूनाइट होने वाला फंगस है तो हमें इसके नाम का जो फर्स्ट वर्ड है उसकी हमें मीनिंग पता होगी तो हम इसे आसानी से बयान कर सकते हैं नंबर टू देखें एस्को माइकोटा एस्को मीन्स क्या ब्लाडर शेप यानी ब्लाडर शेप क्या है ऐसी जैसे पाउच लाइक शेप या सैक लाइक शेप कोई थैली है कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके शेप जो है उसको फंगस की उस शेप को वो डिनोट करता है तो एस्को मीन्स क्या है ब्लाडर शेप और सैक लाइक शेप नव बिसेडो माइकोटा बिसेडो मीन्स क्लब फंजाए क्लब शेप फंजाए होगा ये क्लब शेप ये भी इसकी शेप है जो कि फंजाए की है और इसका मायना बिसेडो है ठीक है यानी क्लब शेप्ड है ये इसके बाद क्या है ड्यूटेरो ड्यूटेरो कैसा फंजाई होगा ड्यूटेरो मीन्स होता है कि सेकंड वर्ड में लिया जाता है इसको सेकंड ठीक है ये भी फनजाई की काइंड्स है जिसका मीन्स है सेकंड अभी आप देखें जो इसका नाम है हम आज एक पढ़ेंगे जयगो माइकोटा लेकिन देखें जयगो माइकोटा जयगोस्पोर बनाएगा ठीक है एस्को माइकोटा एस्कोस्पोर बनाएगा बिसेडो माइकोटा स्पोर बनाएगा तो मीन जो उसका नाम है वो वैसे ही गैमेट्स पैदा कर रहा है वैसे ही वो स्पोर्स बना रहा है तो इसी इसके इसी तरीके से ड्यूटेरो महकोटा स्पोर्स बनाएगा यानी इन सब के नाम से जो आपको ज़ाहिर हो रहा है इनके स्पोर्स में उसी नाम का इस्तेमाल किया गया है अब आपको ये बात मालूम है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन किस किस्म की होती है देयर आर द टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल एंड द एसेशुअल हमें बेसिक बातें थोड़ी सी याद करनी हैं जिससे कि आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं ए सेक्शुअल में सेक्सिस नहीं होंगे मेल फीमेल नहीं होगा ए सेक्शुअल में आ मीन्स नॉट आ इज द ग्रीक वर्ड विच मीन्स नॉट यानी कि इसमें सेक्सेस नहीं है मेल फीमेल नहीं है इसके अलावा जो सेक्शुअल होगा उसमें सेक्सेस हैं मेल भी है और फीमेल भी है और यहाँ पर हमारे पास राइजो इसकी एग्जाम्पल है राइजोपस में क्या होगा इसमें प्लस स्ट्रेन होगा और माइनस स्ट्रेन होगा उनके मिलने से वो दोनों जो डिफरेंट है प्लस माइनस जब वो आपस में मिलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी अभी हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे जैगो माइकोटा के मुतालिक और हम आपको उसकी फिगर भी दिखाते हैं हम आपको उसकी वीडियो भी दिखाएंगे आपने ये बात याद रखनी है सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी रिप्रोडक्शन है किसी प्लांट की रिप्रोडक्शन है उसमें क्या तरीक़ा का पहले आता है स्पोरोफाइट और फिर आता है गैमिटोफाइट यानी स्पोर्स भी बनेंगे और गैमेट्स भी बनेंगे उन गैमिट्स के नाम चेंज होंगे जैसे हम क्या हैं तमाम इंसान एक ही जैसे हैं लेकिन हमारे नाम चेंज हैं हमारी ज़ातें हमने बना रखी हैं इसी तरीके से अपनी अपनी शक्ल सूरत के हिसाब से अपने एरिए के इन्वामेंट के हिसाब से हमारे ऊपर हमारे इन्वामेंट का इफ़ेक्ट होता है तो यहाँ भी ये है कि इसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स इनके ऊपर पाए जाते हैं तो हम उसी हिसाब से इसको स्टडी करेंगे पहला हम पढ़ेंगे जायगो माइकोटा और इसके अंदर जो एग्ज़म्पल प्लांट की होगी वो हम पढ़ेंगे जो ब्रेड पर है राइजोपस यानी ब्रेड पर जो फंजाई लगता है आपने अमूमन देखा होगा बिल्कुल जाला जाला सा होता है उसके साथ फंजाई होता है तो साथ में उसके एल्गी भी मौजूद होता है और बिल्कुल काई लग जाती है ब्रेड ब्लैक हो जाती है और स्पॉट स्पॉट हो जाते हैं राउंडेड स्पॉट होते हैं तो ये सब क्या है ब्रेड के ऊपर राइजोपस जो है यानी फंगस है उसका अटैक होता है जी बेटा अभी हम क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ पढ़ रहे थे जायको माइकोटा की अभी जैगो माइकोटा का हम आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है फंजाई देखिए इसमें है द फाइलम जायगो मार्केटा कॉल्ड द कॉन्जुगेटिंग फनजाई ठीक है कॉन्जुगेट हमने आपको बताया फ्यूज मैरी और यूनाइट यानी या तो ये कि बहरहाली यूनाइट होना ही होना है मैरी आप जानते हैं कि किन की होगी मैरी होगी हमेशा अपोजिट सेक्सेस जो होंगे मेल फीमेल की या नेगेटिव पॉजिटिव की तो यहाँ पर हमें ये बात देखना है कि फनजाई ये कहाँ कहाँ पर आता है दे मेनली कैसा है स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट मीन्स क्या है डेड ऑर्गेनिज्म पर ये अटैक करता है उसमें से कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास उस है? उसमें है लिविंग और प्लांट रिमेन ऑन बेकरी गुड्स देखें लिविंग ऑन प्लांट रिमेन ऑन बेकरी गुड्स बेकरी गुड्स कौन सी चीज़ें हैं केक है बिस्किट है ठीक है कोई भी चीज़ें जो बेकरी से मिलती हैं खाने की उन सब पर ये फंजाया होता है ब्रेड है ख़ास पर ठीक है ब्रेड पर ये होता है ऑन द वेजिटेबल एंड द फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर भी होगा फ़्रूट पर भी होगा आपने अमूमन कीनू पर देखा होगा कि वाइट कलर का स्पॉट्स बन जाता है बड़े बड़े दाग पड़ जाते हैं वाइट वाइट से वो नज़र आ रहे होते हैं वो सब क्या होता है वो फंगस होता है सब आर्दा पैरासाइट्स कुछ पैरासाइट होंगे और क्या होंगे इसमें से स्मॉल स्वाइल प्रोटिस्ट होंगे कुछ हाइफी आर नॉन सेप्टेट हाइफिन की सेप्टेड होगी वेल डेवलप माइसीलियम होगा और इसकी ब्रांचेज होंगी और ये क्या है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कनेडिया एंड स्पोर कनेडिया या स्पोर से ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा इसमें राइजोपस की एग्जाम्पल है हम आपको ये राइजोपस की एग्जाम्पल दिखा रहे हैं इसे देखें फिर हम आपको इसकी वीडियो भी दिखाते हैं ये देखें ये हमारे पास क्या है राइजोपस है ये देखें रिप्रोडक्शन इन द राइजोपस आप यहाँ देख रहे हैं ये ब्रेड का पीस है ब्रेड के पीस पर आप देखें किस कदर फंगस हो रहा है ये कैसे हो जाता है जैगो माइकोटा किस तरीके से यहाँ काम करता है वो हम आपको बताते हैं आप यहाँ देखें कि ये क्या है हमारे पास टू, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी है ए सेक्शुअल में स्पोर्स से स्प्रेड हो जाएंगे जब स्पोर स्प्रेड होंगे तो आपने ये बात याद रखनी है इसमें स्पोर्स के साथ क्या होता है स्पोर का ये जो आपको एक स्टेम सी नज़र आ रही है इसे इस्पोरजियो फोर कहते हैं इसके बाद ये इसमें से जो निकल रहे हैं स्प्रेड हो रहे हैं आपको फाल होते हुए दिख रहे हैं ये क्या है ये डॉट डॉट से राउंडेड शेप में ये स्पोर्स हैं और किस में होते हैं इस्पोरजियम में होते हैं जैसे नमक नमक दानी में होता है मिर्च मिर्च दानी में होती है तो इस्पोरजियम मीन्स क्या तो तो दानी स्पोर दानी तो यानी ये स्पोर्स इस इसके अंदर होते हैं तीन पार्ट याद रख लें इस्पोरजियो फोर इस्पोरजियम और फिर स्पोर्स जो स्प्रेड होते हैं अब इसमें जो स्पोर्स स्प्रेड होते हैं उसमें देखिए हमारे पास क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे रखे हैं ये हम अभी आपको दिखाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ देखिए ये आपको डिफरेंट कलर दिखा रखे हैं ये रेड कलर है ये ब्लू कलर है ताकि आपको पहचान रहे एक नेगेटिव स्ट्रेन है और एक देखे पॉजिटिव है नेगेटिव देखे ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है दोनों एक दूसरे के साथ जब मिले हैं एक दूसरे के करीब आए हैं यूनाइट हुए हैं तो क्या बनेगा यूनाइट होने के साथ गैमिट बनेगा गैमिट्स यानी होंगे इसके बाद जब गैमिट्स फ्यूजन हुआ है इनका तो आप देखिए ये जायगोड बना है जाइगोड में क्या बन जाएगा जयगोड जब फ्यूजन के बाद अपनी ग्रोथ करेगा तो जायगोस्पोर बन जाएगा जायगोस्पोर क्या इसी जायगोस्पोर में से ही आपको ये नज़र आएगा कि जो ये देखें ये जायगोस्पोर है जायगोस्पोर में से ही स्पोर्स निकल रहे हैं और ये स्प्रेड हो रहे हैं इस तरह से साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है और ये क्या है हमारे पास जहाँ ये स्पोर्स स्प्रेड हो रहे हैं ये स्पोर्स वाला सारा ए सेक्शुअल होगा ये वाला ए सेक्शुअल है लेकिन जहाँ मेल और फीमेल यानी नेगेटिव और पॉजिटिव यूनाइट हो रहे हैं वो सेक्शुअल है यह अभी हम आपको दिखाते हैं आप ये देखिए जाइगो माइकोटा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखिएगा ये देखें मैटिंग दिखाएंगे प्लस और माइनस स्ट्रैंड की ये देखें ये एक माइनस है और एक प्लस है प्लस ये रेड वाला जो नीचे रेड लिखा है प्लस है और ये माइनस है देखें ये रहा प्लस है ये माइनस देखें आपस में यूनाइट हुए हाइफी यूनाइट हुई ये देखिए ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है यूनाइट होके आप ये देखें अब यहाँ दरमियान में आपको ये इनकी ग्रोथ नज़र आएगी ये ग्रोथ नज़र आ रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ये देखें फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स गैमिट एंजिया ये फ्यूजन हुआ गैमिट एंजिया और ये ग्रोथ नज़र आ रही है नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेंड दोनों आपस में मिले हैं दोनों स्ट्रेंड मिलके आपको ये देखिए ग्रोथ नज़र आ रही है येलोश कलर हो गया अब ये क्या बन गया जायगो इस्पोरजियम बन गया है अभी इसमें से ही देखें न्यू जो है इसमें से निकलेगी ग्रोथ आप देखें न्यू इसमें से फ्यूजन ऑफ द गमिट एनजिया अब आप देखें ये देखें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है ये देखें जर्मिनेशन हुई और ये न्यू इसमें से दोबारा से ग्रोथ हो गई है और इस्पोरजियो फोर है ये स्पोर एनजियम है इसके अंदर स्पोर्स हैं अभी इस्पोर्ट्स ये देखें थोड़े यहाँ से रेड कलर के होंगे आप गौर से देखिएगा आपको वो स्पोर्ट्स दिखाई देंगे यहाँ से स्प्रेड होते हुए कंटिन्यू ये साइकिल चलता जाएगा अभी देखें ये स्पोर्ट्स ए सेक्शुअल एप्रोडक्शन ए सेक्शुअल क्यों जर्मिनेशन ऑफ द जू स्पोर एनजीएम के बाद ये जो हमारे पास स्पोर्स हैं स्पोर्स किस में बनेंगे ये ए सेक्शुअल एप्रक्शन है अब ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है रेड कलर के स्पोर्स ये फालू हैं फॉल हो के ये स्पोर्स फॉल हुए ये देखे फॉलिंग हो रही है इनकी मियोस होगा जर्मिनेशन होगी और ये देखिए जर्मिनेशन से दोबारा से न्यू माइसीलियम निकल आएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जिससे कि इसकी ग्रोथ चलती रहेगी ए सेक्शुअल सेक्शुअल ए सेक्शुअल सेक्शुअल ये प्रोसेस कंटिन्यू है और चलता रहेगा ये दोबारा से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखें इनकी मैटिंग होगी ये देखें मैटिंग स्ट्रें ये देखें प्लस है और ये माइनस है ये दोनों आपस में मिलेंगे ये अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होगा ये देखें अनफेवरेबल कंडीशन है और ये आपस में ये मिले हैं और मिलकर दोबारा से वही प्रोसेस चल रहा है आप देख रहे हैं ये इस तरह से इसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी चलती रहती है ये देखें जायगो माइकोटा में हम म्यूकर की आपको एग्जांपल दे रहे हैं म्यूकर है ये इसमें देखें ये दोनों आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इसका तरीकाकार तकरीबन उसी तरीके का है ये अपराइट ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है और ये स्पोर फोर है इसके बाद देखें ऊपर क्या है इसके स्पोरेंजिया इस है स्पोरेंजियम में स्पोर्स हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पोरेंजियम में क्या होगा इस्पोरनजियम में स्पोर्स इस होंगे देखिए ये स्पोर्स अब स्पोर्स की क्या है डिवीज़न इसमें स्पोर्स इस की चल रही है ये देखें ये स्पोर्स हैं स्पोर्स अब देखें इसमें क्या है हाफ़ पॉजिटिव हैं हाफ नेगेटिव हैं यानी हाफ हाफ़ है ये स्पोर्स यहाँ देखें ये स्लाइस है ब्रेड का उसके ऊपर ये फाल हुए हैं फाल के दोबारा से ये वही प्रोसेस चल रहा है देखें ये इसमें एक प्लस और माइनस दोनों जो स्ट्रेन हैं ये अब आपस में दोनों यूनाइट होंगे और यूनाइट हो के बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसेस चलेगा ये देखें प्लस है और ये नीचे वाला क्या माइनस है एक प्लस है और एक माइनस है देखिए आपको नज़र आ रहा है ये अभी यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे म्यूकर में सस्पेंसर बनता है देखें ये एक दूसरे के करीब आए हैं सस्पेंसर बना वो देखें उसने खुद को उसमें इंसर्ट कर दिया है और इससे क्या है कंटिन्यू आप देखें दोनों की ये ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इसकी ग्रोथ से आप देखें अभी ये देखें जाइगोड इनका बन गया है और जायगोट जो और मज़ीद ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद आप देखें जायगोट इसकी ग्रोथ चल रही है कंटिन्यू ग्रोथ है और जैसे इसकी ग्रोथ होगी जायगोट की तो आप देखिए क्या बनेगा जयगो स्पोर बन जाएगा और जयगोसपोर में से ही मजीद जो है वो देखें न्यू जो है प्लांट आएगा तो न्यू प्लांट में आपने वो बात याद रखनी है पहले इसपोर फोर होगा फिर इसपोर होगा इस में स्पोर्स होंगे और स्पोर्स में क्या है हाफ़ नेगेटिव होंगे और हाफ पॉजिटिव होंगी हाफ इसमें नेगेटिव हैं फिफ्टी परसेंट नेगेटिव हैं फिफ्टी परसेंट पॉजिटिव हैं ये प्रोसेस चलेगा ये फॉल होंगे देखें ये फॉल हुए नीचे जैसे ये फॉल हुए फॉल होते ये ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करके दोबारा ये न्यू अपना काम स्टार्ट कर देंगे जी बेटा आपको यकीनन समझ में आया होगा बहुत ही ईजी है और इसी तरीके से फन की जितनी भी हमारे पास टाइप्स हैं डिविजन्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई क्वेश्चन आरइज करना हो कुछ पूछना हो तो वहाँ ज़रूर पूछ लीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप अच्छे बच्चे हैं आप पढ़ते हैं मेहनत करते हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो और इन शाह आप कामयाब होंगे अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी आप जारी रखें जब भी डेट आएगी तो आप यकीन क्वालिफ़ाई करेंगे बस तवज्जो से पढ़ें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो इंतज़ार ना करें कि कल आएगा तो कल आप मेहनत करोगे नहीं जो कल करें वो आज करें जो आज करें सो अभी करें तो अब करें यानी मींस क्या है कि आप अब से ही अपनी मेहनत स्टार्ट रखें कंटिन्यू आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई भी टाइम हार्ड नहीं आएगा और आपको इन शाला तब कुछ बहुत अच्छे से आएगा ओके टेक केयर अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह